नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बिहार एक ऐसा राज्य जहां संपूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ये संपूर्ण फेल साबित हो रहा है। बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की विधानसभा में ही किरकिरी हो गई। विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये है बिहार का विधानसभा, जहां आजकल विधानसभा सत्र चल रहा है। सीएम नीतीश से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम विधायक, मंत्री समेत सभी वीआईपी मौजूद हैं। लेकिन उसी विधानसभा में शराब की बोतलें मिल गईं, वो भी उस बिहार में जहां पूर्ण शराबबंदी है, जहां शराब पीने और खरीद बिक्री पर सजा होती है। फिर क्या था, हंगामा हो गया, सियासी रंग जम गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीएम नीतीश कुमार जहां बैठते हैं उससे कुछ ही दूरी पर शराब का सेवन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है, कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं है तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई? ये लोग पूरी तरीके से शराब माफियाओं के साथ, मुख्यमंत्री का तस्वीर भी हम लोगों ने देखा, इनके कई नेता एमएलए जो है नशे में नजर आते हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार की छूट है, शराब की छूट है, अपराध करने की छूट है नीतीश कुमार जी के विधायक और मंत्रियों को, लेकिन कार्रवाई और सुनवाई एकदम नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार में आप कहिए बेमिसाल, 15 साल बेमिसाल, देख लीजिए कितना बेमिसाल तरीके से धरल्ले से बिहार विधानसभा शराब की बोतल पहुंच गई। बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, नीतीश जी ने। बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, गुर्बत, पलायन, ना रोजी ना रोजगार, ना कारखाने, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, ना दवा, ना इलाज, कुछ नहीं, पूरी तरीके से चौपट कर दिया इन लोगों ने। अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए और तुरंत इस्तीफा का पेशकश करना चाहिए उनको। वहीं इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में ही इसके जांच के आदेश दिए। डीजीपी और गृह सचिव को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे हैं? ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए, ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी, आप अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी, हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हमको मालूम नहीं था अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए, और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया, तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए, और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये है बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार, जो अपने सभी नेताओं, मंत्रियों और अफसरों को शराब न पीने, न खरीदने और बेचने की शपथ दिला रहे हैं। मैं नीतीश कुमार, सब लोग पढ़ते जाइए, मैं के बाद सब पढ़िए, अपना अभी पढ़ेंगे। मैं नीतीश कुमार
आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना हस्ताक्षर करिए। दरअसल यही तस्वीर आज के मजाक का कारण बन गई। एक तरफ तो नीतीश कुमार सबको शपथ दिला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके विधानसभा में ही शराब की बोतलें मिल रही हैं। तो मजाक बनना और सवाल उठना दोनों लाजिमी है। कुछ दिन पहले ही बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद नीतीश सरकार बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर सख्त हो गई थी और अपने सभी नेताओं अधिकारियों को शपथ दिलाई थी। अब सवाल यह है कि जिस बिहार में शराबबंदी कानून लागू है वहां के राजदरबार में ही शराब मिल जाए तो क्या कहेंगे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच डीजीपी और गृह सचिव करेंगे और सीएम नीतीश को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि विधानसभा में शराब पीने बिहार की जनता तो गई नहीं होगी, गए होंगे तो कोई सरकारी आदमी ही। खैर, जांच में क्या सामने आता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।